नमस्कार, स्वागत है आपका देसी फुटबॉल बॉय में, जहां हम बात करते हैं इंडियन फुटबॉल न्यूज़ की। तो हमारी फर्स्ट न्यूज़ है, सैफ वुमेन अंडर 20 चैंपियनशिप 2023 से 3 फरवरी में बांग्लादेश में हो रहा है। इंडिया का फर्स्ट मैच था भूटान के साथ। इंडिया ने इस मैच को जीत लिया है 13-0 से। इंडियन वुमेन टीम ने पूरे गेम में डोमिनेट किया है। बात की जाए गोल स्कोरिंग की, तो इंडिया की तरफ से फर्स्ट गोल स्कोर किया है अपूर्णा नाजदारी ने। सैफ अंडर 20 वुमेन्स चैंपियनशिप 2023 बांग्लादेश होस्ट कर रहा है। यह टूर्नामेंट 3 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक चलेगा और चार टीम में से जो दो टीम ग्रुप टॉप करेगी वो दो टीम में 9 फरवरी को फाइनल खेला जाएगा। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का सेकंड मैच है 5 फरवरी को बांग्लादेश के साथ और थर्ड मैच है 7 फरवरी को नेपाल के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हमारा गोल है कि इस चैनल पर फरवरी मंथ तक 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो जाए। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हीरो इंडियन सुपर लीग को लेकर। हीरो इंडियन सुपर लीग ने प्लेऑफ्स की ऑफिशियल डेट्स अनाउंस कर दी है। डेट्स की बात की जाए तो 3 मार्च को प्लेऑफ्स का फर्स्ट मैच खेला जाएगा और फाइनल खेला जाएगा 18 मार्च को। नेक्स्ट न्यूज़ है बेंगलुरु एफसी को लेकर। बेंगलुरु एफसी ने गुरप्रीत सिंह संधू के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है और गुरप्रीत सिंह संधू का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा 2028 तक। नेक्स्ट न्यूज़ है एफसी गोवा के अनवर अली को लेकर। अनवर अली आईटी के मोहन बगान को ज्वाइन करना चाहते हैं समर विंडो ट्रांसफ़र में। AIFF ने अनवर अली को 2019 में कंप्यूटर फुटबॉल से रिस्ट्रिक्ट कर दिया था बिकॉज उनका डायग्नोसिस हुआ था एपिकल हाइपर कार्डियोमायोपैथी रेयर हार्ट कंडीशन। नेक्स्ट न्यूज़ है केरला ब्लास्टर्स को लेकर। केरला ब्लास्टर बहुत उत्सुक दानिश फारूक डील को लेकर। दानिश फारूक फिलहाल तो बेंगलुरु के तरफ से खेलते हैं। दानिश ने अपना यूथ फुटबॉल करियर स्टार्ट किया था J&K बैंक फुटबॉल अकेडमी से। दानिश टॉप स्कोरर और टॉप असिस्ट प्रोवाइडर भी रह चुके हैं हीरो आई लीग सेकंड डिवीजन में। तो आइए बात करते हैं कुछ विंटर ट्रांसफर की। तो फर्स्ट नाम है दानिश फारूक का जो गए हैं बेंगलुरु एफसी से केरला ब्लास्ट। सेकंड नाम है उदंता सिंह जो गए हैं बेंगलुरु एफसी से एफसी गोवा। नेक्स्ट प्लेयर है आशीष झा जो गए हैं श्रीनिधि डेक्कन से बेंगलुरु एफसी। नेक्स्ट नाम है सत्येंद्र सिंह यादव जो गए हैं बेंगलुरु एफसी। नेक्स्ट नाम है श्रेयस काटकर जो गए हैं बेंगलुरु एफसी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए देसी फुटबॉल बॉय को, और ऐसे ही फॉलो करते रहिए इंडियन फुटबॉल को और सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद।